वक्त के पैमाने पर देखें तो गुजरा वक्त यहाँ हमारे नीचे है। आज से 25 करोड़ साल पहले पृथ्वी ऐसी दिखती थी। अगर आपको भविष्य देखना है तो ऊपर देखिए। आज से 25 करोड़ साल बाद पृथ्वी कुछ ऐसी नजर आएगी। हमारे सबसे नजदीकी पड़ोसी चांद पर न तो आसमान है, न समंदर और न जिंदगी, सिवाय कॉस्मोस में हुई उथल पुथल के निशानों के। हमारा तारा सूर्य हमें हवा, रोशनी और जिंदगी की तमाम सहूलियतें देता है। सूर्य के इर्द गिर्द ही समूचा सौर मंडल चक्कर काटता है और इसकी शुरुआत होती है बुध से। इसके बाद है बादलों से ढका शुक्र, जहां ग्रीन हाउस गैसों की वजह से ये एक किस्म का नर्क बन गया है। मंगल, जो तकरीबन उतना ही बड़ा है जितनी पृथ्वी। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ पत्थरनुमा एस्टेरॉइड्स सूर्य का चक्कर लगाते हैं। चार बड़े और दर्जनों छोटे चंद्रमाओं वाला बृहस्पति अपने आप में एक सौर मंडल की तरह है। सौर मंडल के सारे ग्रह मिला दें तब भी ये मास के हिसाब से उनसे ज्यादा ही बैठेंगे। बृहस्पति पर ये जो बड़ा सा लाल धब्बा दिख रहा है, ये असल में यहाँ सदियों से चल रहा तूफान है और आकार में हमारी पृथ्वी से 3 गुना बड़ा है। हमारे सौर मंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह शनि है, जिसके चारों ओर अनगिनत बर्फ के गोले रिंग की शक्ल में चक्कर लगाते हैं। बर्फ का हर गोला एक छोटे चांद की तरह है। यूरेनस और नेपच्यून सौर मंडल के सबसे बाहरी ग्रह हैं, जिनके बारे में पहले पता नहीं था। टेलीस्कोप के आविष्कार के बाद ही इनकी खोज हुई थी। इन बाहरी ग्रहों के आगे लाखों की तादाद में बर्फीले पिंड हैं और प्लूटो उन्हीं में से एक है। हमने अब तक जितने भी अंतरिक्ष यान भेजे हैं उनमें से सबसे ज्यादा दूर गया है वॉयेजर 1। इसमें कुछ संदेश भेजे गए हैं जो करोड़ों साल बाद भी हमारे बारे में बताएंगे, जैसे कि हम कौन थे, हमने क्या किया और कैसा संगीत तैयार किया। यहां से देखने पर सूर्य किसी दूसरे तारे जैसा ही नजर आता है, मगर तब भी ये खरबों बर्फीले पिंडों को अपने गुरुत्वाकर्षण से बांधे रखता है। तकरीबन 5 अरब साल पहले जब सौर मंडल बना था, ये बचे खुचे टुकड़े तभी से मौजूद हैं। इनको ऑर्ट क्लाउड के नाम से जाना जाता है। पहले कभी किसी ने इनको नहीं देखा था, और देखते भी कैसे। ये छोटे छोटे टुकड़े आपस में उतनी ही दूर हैं जितनी पृथ्वी और शनि के बीच की दूरी है। धूम केतुओं का ये बड़ा सा बादल सौर मंडल को चारों ओर से घेरे है। दूसरे तारों के भी ग्रह होते हैं ये हमें कुछ दशकों पहले ही पता चला है, मगर अब हम अच्छी तरह जानते हैं कि तारों के मुकाबले ग्रहों की संख्या बहुत ज्यादा है। इंसान की आंखें ब्रह्मांड की रोशनी का एक मामूली सा हिस्सा ही देख पाती हैं, मगर विज्ञान हमें वो भी दिखा सकता है जो आंखें नहीं देख सकती। इंफ्रारेड एक ऐसी रोशनी है जो नाइट विजन गॉगल से ही दिखाई देती है। इस अंधेरे को इंफ्रारेड सेंसर से देखा जाए तो ये नजर आएंगे। रोग प्लैनेट, बिना सूर्य वाली दुनिया। हमारी गैलेक्सी में ऐसे अरबों ग्रह हैं जो अंधेरे में चक्कर काटते रहते हैं। इनका कोई परिवार नहीं है। जब इनका अपना सौर मंडल बन रहा था, उस वक्त हुई उथल पुथल में कहीं पीछे छूट गए। रोग प्लैनेट यानी आवारा ग्रह का बीच वाला हिस्सा पिघला होता है और सतह बर्फीली होती है। हो सकता है इन दोनों के बीच पानी के अथाह समुद्र हों। इंफ्रारेड से आकाश गंगा ऐसी दिखती है। इसकी हर डॉट एक तारा है, जो चमक नहीं रही वो भी। इसमें कितने तारे होंगे, कितनी दुनियाएं होंगी और कितनों पर जिंदगी आबाद होगी। इस तस्वीर में हम कहां हैं? वो पीछे को छूटता बाहरी हिस्सा दिख रहा है ना, हमारी पृथ्वी वही है, आकाश गंगा के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष दूर, मिल्की वे आकाश गंगा। ये एंड्रोमेडा का ग्रेट स्पाइरल है, हमारे पड़ोस की आकाश गंगा। इन दो बड़ी गैलेक्सीज और आसपास की छोटी गैलेक्सीज को कहते हैं लोकल ग्रुप। यहां से तो हमें अपनी गैलेक्सी नजर तक नहीं आ रही। ये हजारों वर्गो सुपर क्लस्टर में से एक है। यहां से देखने पर जो भी हमें नजर आ रहा है, छोटी से छोटी डॉट भी सब आकाश गंगाएं हैं। हर आकाश गंगा में अरबों सूर्य और न मालूम कितनी दुनियाएं होंगी। इसके बावजूद ये वर्गो सुपर क्लस्टर पूरी सृष्टि का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। यही वो ब्रह्मांड है जिसके ओर छोर का कोई पता नहीं, जिसमें अरबों खरबों आकाश गंगाएं शामिल हैं। 4 सदियां पहले हमारी छोटी सी दुनिया ब्रह्मांड के बारे में अनजान थी। उस वक्त टेलीस्कोप्स भी नहीं थे। नंगी आंखों से जो नजर आता था वही सृष्टि मानी जाती थी। 1599 तक
सभी लोगों का मानना था कि सूर्य, ग्रह और तारे आसमान में चमकती रोशनी हैं और पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं और हम उस छोटे से ब्रह्मांड के केंद्र में हैं जो सिर्फ हमारी खातिर ही बनाया गया है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान था जिसने एक असीमित ब्रह्मांड की कल्पना की थी, और वो सन 1600 के नए साल का जश्न कैसे मना रहा था? जेल के अंदर, सलाखों के पीछे। जब हम पहली बार महसूस करते हैं कि हम ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं हैं और हमसे आगे जहां और भी है, ये हमारे विकास का हिस्सा है। और ठीक ऐसा ही 16वीं सदी में हमारी सभ्यता के साथ भी हुआ। टेलीस्कोप से पहले की दुनिया के बारे में सोचिए, जब नंगी आंखों से दिखने वाली दुनिया ही ब्रह्मांड हुआ करता था, तब माना जाता था कि पृथ्वी अपनी जगह स्थिर है और बाकी सब कुछ यानी सूर्य, चांद, तारे और ग्रह पृथ्वी का चक्कर काटते हैं। और तभी अचानक एक पॉलिश एस्ट्रोनॉमर और पादरी ने, जिसका नाम कोपरनिकस था, एक नई बात कही। पृथ्वी केंद्र में नहीं है, ये बाकी ग्रहों की तरह है और उन्हीं के जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। बहुत से लोगों जैसे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर मार्टिन लूथर ने इसे धर्म का अपमान समझा। वो पूरी तरह डर गए, मगर एक इंसान था जो कोपरनिकस से भी आगे निकल गया। उसका नाम था जियोर्डानो ब्रूनो और वो पैदाइशी बगावती था। वो इस छोटे ब्रह्मांड वाली बकवास सोच को बदलना चाहता था। नेपल्स में एक नौजवान डोमिनिकन भिक्षु बनना भी उसे रास नहीं आया। ये वो दौर था जब इटली में विचारों की आजादी नहीं थी, मगर ब्रूनो ईश्वर की बनाई दुनिया के बारे में जानना चाहता था। उसने वो किताबें भी पढ़ी जिन पर चर्च ने पाबंदी लगाई थी। उसने अपनी सोच को नई राह दी। एक ऐसी ही किताब थी जो 1500 साल पहले किसी रोमन ने लिखी थी। इसमें एक बड़ी सृष्टि का जिक्र था। ये इंसान भी ईश्वर के बारे में ब्रूनो जैसी ही सोच रखता था। लुक्रिशियस ने किताब पढ़ने वालों से सृष्टि के आखिरी छोर पर खड़े होकर एक तीर छोड़ने की कल्पना करने को कहा। अगर तीर लगातार आगे बढ़ता जाए तो इसका मतलब सृष्टि वहां तक सीमित नहीं है जहां तक आपने समझा था, लेकिन तीर अगर कहीं रुक गया है या किसी दीवार से टकराया है तो इसका मतलब है ये वो दीवार है जहां तक आपको लगता था कि सृष्टि फैली होगी। अगर अब आप इस दीवार पर खड़े होकर एक और तीर छोड़ें तो इस बार भी दो में से कोई एक बात ही होगी, या तो तीर लगातार आगे बढ़ता जाएगा या किसी दीवार से टकराएगा जिस पर खड़े होकर एक बार फिर अगला तीर छोड़ा जाएगा। दोनों ही सूरतों में सृष्टि का कोई छोर नहीं होना चाहिए, ब्रह्मांड को अनंत होना चाहिए। यह बात ब्रूनो को जच गई। जिस ईश्वर को वो मानता था वो अनंत था, इसलिए उसका यकीन था कि उसकी बनाई सृष्टि भी अनंत होगी। इसके बाद ब्रूनो को कहीं कोई काम नहीं मिला, और फिर जब वो 30 साल के थे तो उन्होंने ऐसा सपना देखा जिसने उनकी किस्मत बदल दी। उस सपने में उन्होंने खुद को सितारों से भरी एक गोल छतरी के नीचे पाया। ब्रूनो के दौर में ब्रह्मांड का यही मतलब होता था। उन्हें बहुत बेचैनी वाले डर का एहसास हुआ और लगा पैरों के नीचे सब कुछ उलट पुलट रहा है, मगर किसी तरह उन्होंने हिम्मत जुटाई। ब्रूनो एक धर्म प्रचारक बन गए और पूरे यूरोप में अनंत ब्रह्मांड के सिद्धांत का प्रचार करने लगे। उनको उम्मीद थी कि ईश्वर को चाहने वाले उनकी बनाई इस अनंत सृष्टि की बात सच मानेंगे। उन्हें अपने ही देश के रोमन कैथोलिक चर्च से बेदखल कर दिया गया। स्विट्जरलैंड के कैल्विनिस्ट्स और जर्मनी के लूथरेंस ने भी उन्हें निकाल बाहर किया। तभी ब्रूनो को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में भाषण देने के लिए बुलाया गया। अब जाकर उन्हें लगा कि वो अपने जैसी सोच वालों के बीच अपनी बात रख पाएंगे। मैं ब्रह्मांड के बारे में एक नई सोच लेकर आपसे बात करने आया हूँ। कोपरनिकस का दावा सच था कि हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। पृथ्वी तो सूर्य का चक्कर लगाती है, ये ग्रह है दूसरे ग्रहों की तरह। मगर जो कोपरनिकस ने कहा वो तो शुरुआत थी, आगे की कहानी मैं बताता हूँ। तारे भी सूर्य की तरह गर्म हैं और उन्हीं चीजों से बने हैं जिनसे पृथ्वी बनी है। इनकी अपनी अपनी पृथ्वियाँ हैं जिन पर पानी, पेड़ और जानवर हैं, वैसे ही जैसे हमारी पृथ्वी पर है। या तो तुम पागल हो या बेवकूफ हो, सब जानते हैं दुनिया सिर्फ एक ही है। जो सब जानते हैं वो गलत है। हमारा ईश्वर अनंत है और उसने एक अनंत सृष्टि की रचना की है जिसमें अनगिनत दुनियाएं हैं। तुम्हारे देश के लोग एरिस्टोटल को नहीं पढ़ते क्या, और ना ही बाइबल को? मेरी गुजारिश है पुरानी परंपरा, रिवाज, धर्म और कायदों को पीछे छोड़ दें। जिन चीजों को हम सच मानते हैं उन पर सवाल खड़े करके नई शुरुआत करें। धर्मी हो और फिर हो, तुम्हारा ईश्वर बहुत छोटा है। कोई और होता तो अब तक सबक सीख चुका होता, मगर ब्रूनो उनमें से नहीं थे। ब्रह्मांड के बारे में अपने ख्यालों को वो खुद तक सीमित नहीं रख पाए, हालांकि ये जानते हुए भी कि उस जमाने में इस जुर्म की सजा बहुत बेरहमी और
अलग तरीके से दी जाती थी। नानो ब्रूनो जिस दौर में रहते थे उस दौर में चर्च और स्टेट अलग अलग नहीं थे और ना ही उन दिनों हर किसी को खुलकर बोलने की आजादी थी। परंपरा या फिर लीक से हटकर कुछ भी बोलना मुसीबत को खुद न्योता देने जैसा था। बेपरवाह ब्रूनो वापस इटली आ गए। शायद उन्हें घर की याद सता रही थी, मगर उन्हें पता होना चाहिए था कि उनका देश उन जैसे आदमी के लिए यूरोप की सबसे खतरनाक जगह है। रोमन कैथोलिक चर्च ने खास किस्म की अदालतें बना रखी थी जिन्हें इंक्विजिशन कहा जाता था और उनका एक ही मकसद था, चर्च के खिलाफ अगर किसी ने भी आवाज उठाने की जरूरत की तो उस पर मुकदमा चलाकर सजा देना। और जैसा होता आ रहा था ब्रूनो भी इन अदालतों के चंगुल में फंसी गए। अनंत ब्रह्मांड में यकीन रखने वाला ये दीवाना जेल की अंधेरी कोठरी में 8 साल तक सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। उनसे कई बार कड़ाई से पूछताछ हुई मगर जिद पर अड़े ब्रूनो ने अपने विचार वापस लेने से इनकार कर दिया। मगर चर्च ब्रूनो को सजा देने पर आखिर क्यों आमादा था? उसे किस बात का डर था? अगर ब्रूनो की बात सही मानी जाती तो धार्मिक किताबों चर्च की सत्ता पर सवाल खड़े हो जाते। आखिरकार इंक्विजिशन के कार्डिनल ने अपना फैसला सुना ही दिया। तुम पर इल्जाम है कि तुमने होली ट्रिनिटी और जीसस क्राइस्ट की सच्चाई पर सवाल खड़े किए हैं। तुम्हारा मानना है कि ईश्वर नाराज नहीं होता और पाप करने वाले भी बचे रहेंगे। तुम दूसरी दुनियाओं के बारे में बात करते हो। तुम्हारी सारी किताबों को जब्त करके सेंट पीटर स्क्वायर में जला दिया जाएगा। रिवरेंड फादर, इन 8 सालों की कैद के दौरान मुझे सोचने का काफी मौका मिला है। तो तुम माफी मांग रहे हो? सृष्टि को रचने वाले के लिए अपने प्यार और श्रद्धा की वजह से ही मैंने अनंत ब्रह्मांड की बात कही है। तुम्हें रोम के गवर्नर के हवाले किया जाता है ताकि वो तुम जैसे अड़ियल को सही सजा दे सकें। मुझे लगता है आप सजा सुनाने में ज्यादा घबरा रहे हैं जबकि मुझे डर नहीं लग रहा। ब्रूनो की शहादत के 10 साल बाद गैलीलियो ने सबसे पहले एक टेलीस्कोप से देखकर बताया कि ब्रूनो की बात 100% सच थी। मिल्की वे ऐसे अनगिनत तारों से बना था जो नंगी आंखों से नजर नहीं आते और उनमें से कुछ तारों का अपना खुद का अलग सौर मंडल था। ब्रूनो कोई वैज्ञानिक नहीं थे। ब्रह्मांड के बारे में उनका नजरिया सिर्फ एक अंदाजा था क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था। ज्यादातर अंदाजों की तरह उनका अंदाजा भी गलत हो सकता था, मगर जो बात उन्होंने रखी उसे दूसरों ने जांचना शुरू कर दिया भले ही उन्हें गलत ठहराने के लिए। हम इंसान जो मुश्किल से 100 साल जीते हैं ब्रह्मांड के इतिहास में लगे वक्त को आखिर कैसे समझ सकते हैं? हमारा ये ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पुराना है। ब्रह्मांड के समय को समझने के लिए चलिए इस पूरे दौर को एक कैलेंडर ईयर में बदल देते हैं। कॉस्मिक कैलेंडर 1 जनवरी को हमारे ब्रह्मांड के जन्म से शुरू होता है। इस कैलेंडर में वो सब है जो तब से लेकर अब तक हुआ है, यानी 31 दिसंबर की आधी रात तक। इस स्केल पर हर महीना 1 अरब साल के बराबर है और हर दिन करीब 4 करोड़ साल के बराबर। अब चलिए हम सबसे पीछे चलते हैं जब शुरुआत हुई ब्रह्मांड की। 1 जनवरी बिग बैंग। ब्रह्मांड के बारे में फिलहाल हम इतना पीछे ही देख सकते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड एक एटम से भी छोटे एक ही कण से पैदा हुआ है। उस वक्त अंतरिक्ष में अपने आप धमाका हुआ और आग का गोला लगातार फैलता गया जिससे वो सारी एनर्जी और सारा मैटर पैदा हुआ जो आज हमारे सामने है। ये सुनने में अजीब लगती है मगर बिग बैंग थ्योरी को सही साबित करने वाले बहुत ही मजबूत सबूत मौजूद हैं, जैसे कि ब्रह्मांड में इतनी ज्यादा हीलियम की मौजूदगी और धमाके के बाद निकली रेडियो तरंगों की चमक। फैलने के साथ ही ब्रह्मांड ठंडा भी होता गया और करीब 20 करोड़ साल तक पूरा अंधेरा छाया रहा। ग्रेविटी की वजह से गैस के बादल इकट्ठे होकर गर्म होने लगे और तब सबसे पहले स्टार पैदा हुए। तारीख थी 10 जनवरी। 13 जनवरी को इन तारों ने मिलकर पहली छोटी आकाशगंगा बनाई। ये आकाशगंगाएं आपस में मिलने से बड़ी आकाशगंगाएं बनी जिनमें हमारी अपनी मिल्की वे आकाशगंगा भी है जो करीब 11 अरब साल पहले यानी हमारे कॉस्मिक कैलेंडर में 15 मार्च के दिन बनी थी। हमारा सूर्य कौन सा है? वो अभी तक पैदा नहीं हुआ। वो दूसरे तारों के राख से पैदा होगा। फ्लैश जैसी रोशनी आप देख रहे हैं ये सब सुपरनोवा हैं।
जब कोई बड़ा तारा मरते हुए चमकता है। ये वो जगह है जहां तारे मरते और पैदा होते हैं, स्टेलर नर्सरी। गैस और धूल के बड़े बादलों से जिस तरह पानी की बूंदें बनती हैं, वैसे ही ये तारे बने। ये इतने गर्म हो गए कि उनके अंदर मौजूद परमाणु तक आपस में मिल गए, जिससे हमारी सांस लेने वाली ऑक्सीजन, मांसपेशियों में मौजूद कार्बन, हड्डियों वाला कैल्शियम और खून में मौजूद आयरन बना। ये सब चीजें बहुत पहले मर चुके तारों के अंदर बनी थी। आप, मैं और बाकी सभी, हम सब बने हैं तारों से पैदा हुई चीजों से। तारों से पैदा ये चीजें लगातार रिसाइकिल होती रहती हैं और तारों के बनने और मरने का ये सिलसिला चलता रहता है। हमारे सूर्य का जन्मदिन कॉस्मिक कैलेंडर पर 31 अगस्त को है, 4.5 अरब साल पहले। हमारे सौर मंडल के दूसरे ग्रहों की तरह हमारी पृथ्वी भी नए पैदा हुए सूर्य के चारों ओर घूम रहे गैस और धूल के बादलों से बनी थी। लगातार हो रही टक्करों से मलबे का ढेर भी लगातार बढ़ता जा रहा था। पैदा होने के पहले 1 अरबवें साल में ही पृथ्वी पर एक बड़ी टक्कर हुई। रहे मलबे के टकराने और आपस में मिलने से हमारा अपना चांद तैयार हो गया। चांद इस बात का सबूत है कि उस दौर में कितनी उठापटक हो रही थी। अगर आप उस वक्त की पृथ्वी की सतह पर खड़े होकर देखते तो चांद आज से 100 गुना ज्यादा चमकदार दिखता। वो आज के मुकाबले 10 गुना ज्यादा पास भी था, क्योंकि तब पृथ्वी की ग्रेविटी उसे ज्यादा पास खींच कर रखे हुए।